आपको ये बता दिया गया था कि यदि हमारे पास कोई सेट ए है, दो तीन चार इसके अवयव हैं, और अगर हम इसके अवयवों को लेके कोई सेट बनाते हैं, इसका नाम बी रखते हैं, तो हम कहेंगे बी इज सबसेट ऑफ बी, ए का उप समुच्चय है। ये उप समुच्चय गणिशा है। समुच्चय क्या होते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं हम अवयवों को कॉमा लगा, ये समूह होते हैं, ये वेल डिफाइंड होते हैं, इनको बताया जाता है कि इस तरह के समुच्चय होंगे। हमने कहा दिनों के समुच्चय, तो आप ब्रैकेट लगाओगे कल्ली वाली और लिखोगे सोमवार कॉमा मंगल कॉमा बुध कॉमा बृहस्पति कॉमा शुक्र कॉमा शनिचर, और हो गया आपका समुच्चय तैयार। अगर किसी समुच्चय के अवयवों को लेकर नया समुच्चय बनाए, तो ये वाला समुच्चय का निर्माण इसके अवयवों से हुआ है, तो ये वाला समुच्चय इसका उप समुच्चय कहलाता है। यहाँ इशारों में बात होगी, उप समुच्चय का निशान ये है लेटा हुआ है, और ये यू जिधर खुला है वो समुच्चय बड़ा है, और जिधर बंद है वो समुच्चय छोटा है। बात समझ आ गई? जैसे ये इसने कहा पहले का सातवां, वैसे कल डिस्कस हो गया था पर फिर डिस्कस करते हैं। समुच्चय को लिखने का एक ये भी तरीका होता है, ब्रैकेट में लिखा x और x के बारे में बता दिया, x क्या है? एक सम संख्या, ये एक समुच्चय। दूसरा समुच्चय क्या है? x दैट x एक पूर्णांक। अब बताइए इनके बीच में कौन सा निशान आएगा? x एक सम संख्या और x क्या है? पूर्णांक। तो सम संख्या पूर्णांकों में से ली जाएगी या पूर्णांक सम संख्या में से ली जाएगी? पूर्णांक जो है वो 0 1 2 3 4 5 माइनस 1 माइनस 2 ये होते हैं, तो पूर्णांकों के अंदर से क्या ली जाती है? सम संख्या। यानी सम संख्या का जो सेट है उसका निर्माण पूर्णांकों के अवयवों से हुआ है। इसका मतलब ये वाला जो सेट है ये इसका सबसेट है, ये इसका उप समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि इसका निर्माण इसके अवयवों से हुआ है। आगे दूसरा सवाल, दूसरे में देखो ये दिया तीसरा, खाली सत्य और असत्य बताना है। एक दो तीन ये सबसेट बता रखा है, एक तीन पांच का बताओ सत्य असत्य, इसका मतलब क्या है? ये इसका उपसमुच्चय है, यानी इसका निर्माण इसके अवयवों से होता है। ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट, समुच्चय को सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट। इसका मतलब होता है समुच्चय, जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए बता रहा हूं ये समुच्चय। अब बताओ इसका निर्माण इसके अवयवों से हुआ है क्या? नहीं। इसमें पांच है और इसमें एक दो तीन, इसमें दो है और इसमें दो नहीं है, और ये वाला ये बता रहा है कि इसका निर्माण इसके अवयवों से हुआ है, ऐसा होगा ये पांच। ये जो निशान है बिलोंग टू, इसका मतलब होता है कि अगर ए किसी सेट का अवयव है, जैसे ये दो है तो दो बिलोंग टू ए, दो ए का अवयव है, इसको इशारों में ऐसे लिखते हैं। अगर कह रहे हम पांच, पांच एक अवयव है नहीं है, तो पांच एक अवयव बीच में चला, ये नॉट बिलोंग टू और ये बिलोंग टू। बताओ ये बात सत्य है? और एक चौथा पार्ट है इसका, कौन सा सत्य है इसमें? नीचे वाला सत्य है, क्योंकि नीचे वाले ब्रैकेट लगी, इसका मतलब समुच्चय है, और इसका जो अवयव ए है वो इससे लिया गया है, इसका मतलब इसका निर्माण इसके अवयव से हुआ है, ये समुच्चय क्या होगा? इसका समुच्चय होगा, बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ब्रैकेट लगे और बिलोंग टू आता है अवयव के लिए, ए इसका अवयव है, लेकिन जब हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया इसका मतलब समुच्चय ए इसका अवयव नहीं, समुच्चय है तो इसका उप समुच्चय या सबसेट। लेकिन खाली ए लिखा होता है, अगर ऐसे लिखा होता ए बिलोंग टू तब बात सही, क्योंकि ए इस सेट का अवयव है और ये जो है समुच्चय है जो इसका अवयव नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स, और ये मैंने अपनी तरफ से दिया है, ये हो जाएगा ठीक है। आगे तीसरा सवाल, ए एक पूर्ण सेट दिया, एक दो तीन चार ये याद रखो, ये समुच्चय में जो है वो कुछ नहीं है, खाली समुच्चय इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये लिखे जाते हैं, ये इसके अवयव है, और इसका नाम क्या रख दिया? ए, ये समुच्चय कहलाता है।
अब इस समुच्चय का अवयव एक है, दो है, पांच है, और ये जो समुच्चय है यानी किसी समुच्चय का अवयव वो समुच्चय भी हो सकता है, ठीक है। ये तीन इसका अवयव नहीं है, चार भी इसका अवयव नहीं है, समुच्चय तीन चार इसका अवयव है। क्लियर हो रही बात? अब देखो ट्रू फॉल्स होता है। पहला बताओ सत्य है या सत्य, सत्य है, सत्य है, तुम बताओ भाई। असत्य है, क्यों? क्योंकि तीन चार जो समुच्चय है वो क्या है इसका अवयव, और ये क्या बता रहा है, इससे क्या पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है कि तीन कॉमा चार जो है वो सेट ए का क्या है, उप समुच्चय है, इससे ही पता लगा क्योंकि उप समुच्चय का निशान। और तीन परंतु तीन कॉमा चार सेट ए का क्या है, अवयव है। इसका मतलब है कि तीन कॉमा चार जो है वो बिलोंग करेगा ए, क्योंकि तीन कॉमा चार देखो पूरा ब्रैकेट ही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब अगर आप ये कहो तीन कॉमा चार एक समुच्चय है, इस समुच्चय को एक और समुच्चय का हमने अवयव बना दिया, अब इस समुच्चय का केवल एक ही अवयव है, अब समुच्चय बनाइए, अब हो जाएगा ये सब ठीक, अब ट्रू होगा। लेकिन इस केस में कैसा होगा, क्यों? उसका कारण ये बताया कि तीन कॉमा चार सेट ए का अवयव है ना कि क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सेकंड पार्ट ये कि तीन कॉमा चार ये वाला है, कि तीन कॉमा चार और ये इतना ब्रैकेट लगा दी, इसका मतलब सेट हो गया ये ए का अवयव है, ये बात सही है नहीं, बिलोंग टू अवयव के लिए अवयव है ये इसके। तो आप देखो एक इसका अवयव है, दो इसका अवयव है, ये पूरा का पूरा इसका अवयव नहीं है, है या नहीं? तो इसका मतलब तीन कॉमा चार बिलोंग टू ए, ये बात कैसी होगी। चलिए अब थर्ड पार्ट, थर्ड यही वाला है, थर्ड ये उसने कहा तीन कॉमा चार समुच्चय बनाया, इस समुच्चय को एक और समुच्चय के अंदर लिख दिया, यानी ये जो दूसरा बड़ा वाला समुच्चय है इसका ये अवयव है, किसी समुच्चय का समुच्चय भी अवयव हो सकता है, किसी सेट का सेट भी अवयव हो सकता है। अब जब हमने ये सेट इसके अंदर लिखा, ये वाला सेट जो था वो ए का क्या था, अवयव था, इसके अवयव को लेकर मैंने एक समुच्चय बना दिया, ये क्या है होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, ये बात सही। चौथा वन बिलोंग टू ए, सत्य सत्य है, क्यों? क्योंकि वन तो ए का अवयव है, और ये बिलोंग टू का निशान जो आता है वो तभी आता है जब किसी सेट का कोई अवयव होता है, तो अवयव और उस सेट के बीच में बिलोंग टू आता है, जो ये बताता है, इशारों में बात करता है, बिलोंग टू, क्या कहते हैं इसे, बिलोंग टू, इसकी हिंदी होगी एक समुच्चय ए का अवयव है। अब हर बार इतना बड़ा थोड़ी लिखा जाएगा, आपने इतना सा इशारे में लिख दिया, बात समझ आ गई, वन बिलोंग टू, ठीक है। आगे ये बताओ एक कॉमा दो कॉमा पांच, और ये बना दिया हमने एक समुच्चय, और हम कह रहे हैं कि ये सबसेट है किसका, ए का, सच या गलत बताओ। अगर इस समुच्चय का निर्माण ए के अवयवों से हुआ है तब तो ये सच होगा, ठीक है। ए के अवयव कौन कौन से हैं, एक दो और पांच, ए के अवयवों से निर्माण हुआ है, ठीक है। तो कैसा हुआ ये, क्यों हुआ ट्रू, क्योंकि एक कॉमा दो कॉमा पांच का निर्माण ए के अवयवों से हुआ है। मैंने दोनों में समुच्चय लिखा नहीं है, आप समझ जाना, ये भी समुच्चय है और ये भी समुच्चय,
उसके बाद आठवां, एक दो तीन, ये टेस्ट है तुम्हारा, ये सही है गलत? क्यों? क्योंकि एक और दो तो एक अवयव है, इसका अवयव तो तीन कॉमा चार समुच्चय अवयव है, क्योंकि तीन नॉट बिलोंग टू, ये इशारों में बताती है तीन एक अवयव नहीं, इसको एस किस तरह से लिखते हैं, नॉट बिलोंग, मतलब क्या हुआ इसका कि तीन सेट ए का अवयव नहीं, अतः ये कैसा हो गया? दो या तीन वीडियो होंगे मुश्किल से, पाँच पाँच दस दस मिनट में, उसमें मैंने रोज रिवाइज कराया सेट किसे कहते हैं, एक बार देखिए ना, तो जो बच्चा नया है उनको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब आ गया ये फाइव, फाइव के बारे में बता दो, ये होता है रिक्त समुच्चय, दुनिया का ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई अवयव नहीं, उसे हम फाइव से लेंगे, ठीक। अब मैंने, अब दुनिया के किसी भी समुच्चय में से बिना कोई अवयव लिए समुच्चय का निर्माण हो सकता है? हो सकता है नहीं। अरे समुच्चय के अंदर अगर जीरो अवयव, इसमें हमने कोई अवयव नहीं लिखा तो समुच्चय नहीं होगा, कहीं इसका विशेष नाम होगा रिक्त, तो जो रिक्त समुच्चय है वो दुनिया के प्रत्येक समुच्चय का सबसेट होता है। अब बताओ ये सत्य या सत्य? ट्रू होगा। क्यों होगा? क्योंकि नल सेट, इसे क्या कहते हैं? नल सेट इज सबसेट यानी उप समुच्चय ऑफ एवरी सेट, दुनिया के सभी सेट का सबसेट होता है, कोई भी सेट है दुनिया का जो नल सेट फाई है वो हमेशा क्या होगा? उसका सबसेट होगा। ये खतरनाक है, ये बताओ सही है? ये नल सेट जो था, इसको अगर मैं थोड़ा विस्तार से बताऊं तो इस तरह का होगा, नल सेट तो ये हो गया और ये अवयव हो गया एक सेट का, और ये इसका उपसमुच्चय है या नहीं ये हमें बताओ। ट्रू है। क्यों? अगर ये ट्रू होता तो जो फाई है वो एक अवयव होता, नल सेट का मतलब रिक्त समुच्चय एक अवयव होता, एक अवयव में रिक्त समुच्चय है क्या? एक अवयव तो ये है, अगर यहाँ ये लिखा होता तब से रिक्त समुच्चय उप समुच्चय तो सबका होता है, लेकिन रिक्त समुच्चय को ही एक अवयव बना दिया आपने, रिक्त समुच्चय से ही एक समुच्चय का निर्माण कर दिया, एक ऐसा समुच्चय जिसका रिक्त समुच्चय अवयव है, रिक्त समुच्चय स्वयं में तो उप समुच्चय है सबका, लेकिन जब आपने एक ब्रैकेट लगा दी इसका मतलब इसको भी समुच्चय बना दिया, इस समुच्चय का अवयव कौन है? रिक्त समुच्चय। तो इसका उपसमुच्चय तभी होगा जब एका अवयव होगा रिक्त समुच्चय, ऐसा है, ठीक है? ये कैसा हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि फाई ए का अवयव नहीं है, क्योंकि इसके अवयवों से जो समुच्चय का निर्माण होता है वो ही तो सबसे हो सकता है। चौथे का फर्स्ट कह रहा है ए के उपसमुच्चय, बड़ा विस्तार से बताया था मैंने, ए के उपसमुच्चय कौन से होंगे? इस समुच्चय के उपसमुच्चय वो समुच्चय होंगे जिनका निर्माण इसके अवयव से हुआ है। इसका अवयव कितना है? एक तो ए हो गया, एक भी अवयव मतलब, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आ गई? इसको फाइव भी कहते हैं। चलो दूसरा देखो, ए और बी के उपसमुच्चय क्या होते हैं? उपसमुच्चय ऐसे समुच्चय जिनका निर्माण किसी समुच्चय के अवयवों से किया गया। करो निर्माण, एक तो ए आ गया, एक बी आ गया, एक दोनों अवयव ले लो और एक भी मतलब
ठीक है। फिर आ गया ये ए बी सी, बता क्या क्या हूँ, बी सी ए बी बी सी ए सी ए बी सी तीनों ले लो और एक भी मतलब फाइव का मतलब यही होता है। अरे समझ कितने हो गए, सात हो गए, एक रह गया क्या, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नहीं हो गए, इसलिए कितने हो गए, अरे समझ चलो ठीक है। तो हम देख रहे हैं इसके उपसमुच्चय आए दो, इसके उपसमुच्चय आए जब दो अव्यक्त तो कितना है चार, चार का मतलब हो गया दो की घात दो, इसका मतलब हुआ दो की घात एक, और इसमें तीन अव्यक्त थे, इसके उपसमुच्चय कितना है दो की घात तीन, इसका मतलब किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या होती है दो की घात उस समुच्चय के अवयवों की संख्या। कल बहुत विस्तार से लिखवा चुके, अब आया ये जो परेशान करता है फाइव, इसके उपसमुच्चय बताओ, हाँ बिल्कुल ठीक, और कौन होगा वो, क्योंकि फाइव ही फाइव का सबसेट हो सकता है, बाकी दुनिया में कोई फाइव का सबसेट नहीं, फाइव में कोई अवयव भी नहीं है, अब हमें सेट बनाना है ठीक है, हम बिना कोई अवयव लिए एक सेट बना देते हैं ठीक है, तो फाइव इज सबसेट ऑफ इट्सेल्फ ओनली, नोट करो।